आप सबको फिर से आज का चंगाई प्रार्थना सभा में मैं स्वागत करता हूं। पिछले शनिवार को हम लोग इस प्रार्थना सभा को आरंभ किया था। मुझे विश्वास है आप में से कई लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दिया है और आप उन गवाहियों को हमारे पास जरूर भेजिए ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा करेंगे। आज का दिन आपको बड़े आशीष और अनुग्रह और चंगाई परमेश्वर देने पर है। प्रार्थना करेंगे और इस चंगाई सभा को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आते हैं प्रभु जी। आज का ये प्रार्थना सभा, विशेष चंगाई प्रार्थना सभा को हम तेरे हाथों में देता हूँ। उन सबों को प्रभु यीशु मसीह हम आपके चरणों पर लेके आते हैं। आज इनके जीवनों को तू आशीष करे, शारीरिक हो, आत्मिक हो और मानसिक हो, कुछ भी बात है परमेश्वर, आज इनका जो आवश्यकता है आज यीशु का नाम में पूरा करे। शेष करके आपके वचनों को सुनने के लिए, विश्वास करने के लिए और उसके आधार पर प्रार्थना करके आपसे आज चंगाई को निश्चय इनको प्राप्त करने के लिए तू सहायता करे और इनका जीवन को परिवर्तित करे। इनके जीवन में आपका महिमा प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। आइए हम एक गीत सबसे पहले गाएंगे, उसके बाद में हम प्रभु का वचनों को ग्रहण करेंगे, प्रभु का आशीषों को पाएंगे। और मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब इस सारे प्रार्थना सभा में पूरा रीति से भाग लीजिए और अंतिम तक आप इसको देखते रहिए, क्योंकि इस प्रार्थना सभा शुरू होने के बाद आखिरी तक कहाँ पर आपके लिए जो विशेष चंगाई को रखा हुआ मुझे नहीं मालूम है, इसलिए आप इसको कंप्लीट इसको देखने के लिए कोशिश कीजिए और बीच में बंद करने के लिए और उड़ के जाने के लिए आपको आप इच्छा ना करें, क्योंकि चंगाई लास्ट टाइम तक होता है, उसके बीच में कभी ना कभी होता है। इसलिए कौन सी समय परमेश्वर आपको छुएंगे और कौन सा वचन आपको देंगे, हो सकता कुछ गीत के द्वारा होगा, हो सकता है गीत के बारे में कुछ हम वर्णन करते हैं उस समय में होगा, या फिर हो सकता है हम वचन का घोषणा करने के समय में होगा, या फिर प्रार्थना के समय में होगा। इसके बीच में कोई भी वक्त परमेश्वर आपको छुएगा। इसलिए थोड़ा बैठने के समय आपको बोरिंग लगने से भी उड़ के ना जाएं, क्योंकि मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ परमेश्वर को उपस्थिति में आप आकर के आशीषों को पाने के लिए रोकने वाला एक व्यक्ति है, उसका नाम है शैतान। शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर से आशीषों को पाएं, इसलिए वो किसी न किसी से किसी रीति से आपको डिस्ट्रैक्शंस देने के लिए कोशिश करेगा, इस चैनल को बंद करने के लिए या उड़ के जाने के लिए या बैठ कर डिस्ट्रैक्शंस शैतान लेके आता है। उसको ध्यान में रखिएगा, आपका चंगाई का दिन आज है, निश्चय आपको परमेश्वर जो जिस जगह से आप बैठे हैं या खोला है, अचानक हो या फिर प्रीप्लान्ड हो, आप इस प्रोग्राम के इंतज़ार करते हुए आज का दिन इसके सामने बैठे हैं, या फिर आप अचानक इसको खोल रहा है आज, तभी आप हमारा रिक्वेस्ट है कि आप पूरा प्रोग्राम को बैठ कर के देख लीजिए, ताकि उसके बीच में आपको चंगाई ज़रूर परमेश्वर रखा हुआ है, उसका उस चंगाई आपके हाथ से खो ना जाए। इसलिए थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने समय परमेश्वर के सामने नहीं देगा, वो परमेश्वर आपको चंगाई नहीं दे सकता है। हालेलुया। कैसे आप परमेश्वर से रियली चंगाई को हासिल कर सकता है, कैसे प्रार्थना आपको करना है, कैसे आपको विश्वास करना है, उसके विषय में आने वाला संदेश में मैं आपको बताऊंगा। आइए हम लोग इस वक्त एक गीत गाएंगे, बहुत पुराना एक गीत है, एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है, मैं आपके सामने प्रभु को महिमा के लिए गाने के लिए चाहता हूँ। जिसको मालूम है ये मेरे साथ में गा सकता है, और जो नया नया इसको सुन रहा है आप इसको इसको इसका अर्थ को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। और स्तुति का, आराधना का ज़रूरत है हम परमेश्वर के सामने जाने के समय पर, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारे स्तुतियों में विराजमान है।
और जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारे स्तुतियों में विराजमान होकर के हमारे पास आकर के हमें आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए आइए हम इस गीत को गाएंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे, आओ ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे, आओ ललकारे। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा जिसने भी हमको रचा, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने भी हमको रचा, वो है हमारा उद्धार। उसकी होवे जय जय आराधना, जो है सभी का प्रधान। उसकी होवे जय जय हो आराधना, जो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करे। उसके फाटकों में स्तुति करे, आओ ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे, आओ ललकारे। हालेलुया। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो शिफा और नजात उसकी प्रशंसा करे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करे, जो है शिफा और नजात उसकी प्रशंसा करे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करे, जो है शिफा और नजात उसकी प्रशंसा करे। वो है सच्चा दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है सच्चा दाता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें, आओ ललकारे। उसके फाटकों में करे, उसके फाटकों में स्तुति करे। उसके फाटकों में स्तुति करे, आओ ललकारे। हालेलुया। धन्यवाद ओ परमेश्वर, आपके चरणों पर हम आते हैं आज का दिन।
तेरी धन्यवाद और स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु हम सबको सहायता करे ताकि हम परमेश्वर का महिमा और स्तुति आराधना करें। आपके शक्ति के बिना हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है और मेरे पापों के लिए तूने अपने लहू बहाया, मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है और मुझे पाप से छुड़ाया है। तेरे लहू से मुझे धर्मी ठहराया गया है, आनंद क्रोध से मुझे बचाया है और तूने अपने लहू से हमें खरीद लिया, परमेश्वर का संदान ठहराया है। यीशु मसीह तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हमारे जीवन से शराब, बीमारियां, प्रभु जी मृत्यु तक तूने हमारे जीवन से अलग कर दिया है। तू मृतकों में से जीवित होकर के आज जीवित है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आज शाम के वेला में हम संपूर्ण हृदय से प्रभु यीशु आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, कि हमारे जीवन में आज चंगाई की आवश्यकता है, हमारे जीवन में आज शांति की आवश्यकता है, हमारे जीवन में प्रभु जी तसल्ली की आवश्यकता है, हमारे जीवन में आपकी स्वांदना की आवश्यकता है परमेश्वर। इसलिए आज शाम के वेला में विशेष समय निकाल करके हम आपके चरणों पर आते हैं परमेश्वर, हमारे प्रार्थना को सुन लीजिए, मेरा हृदय को देख लीजिए परमेश्वर। प्रभु मेरे हृदय को देख लीजिए, मेरे हृदय के दर्दों को तू देख ले, मेरे मन के दर्दों को देख ले, मेरे परिवार का आंसुओं को देखे, मेरे व्यक्तिगत जीवन का प्रभु जी आंसुओं को देखे। मेरे भविष्य के लिए मैं तड़पता हूँ, मैं जीने के लिए तकलीफ को उठा रहा हूँ परमेश्वर। मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे मन में तसल्ली का जरूरत है परमेश्वर। मैं एक आत्मिक भूख है मेरे अंदर में, मुझे मिटा दे आत्मिक भूख को। एक विशेष प्रार्थना के लिए आज हम आपके सम्मुख में आते हैं, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। और तेरे वचन में लिखा हुआ है प्रभु, तेरे पास जो भी आता है प्रभु यीशु मसीह, तू उन्हें टुकराता नहीं है और तू उसको चंगा करता है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तूने कभी किसी को वापस नहीं लौटाया है, तेरे उपस्थिति से तेरे पास जो भी आया है उनको तूने चंगाई दिया है। तेरे पास जो भी आया है प्रभु, तूने उनका आवश्यकताओं को पूरा किया है, उद्धार दिया है, अनुग्रह किया है। वही चीज प्रभु आज मेरे जीवन में कीजिए। आज का दिन इस प्रार्थना सभा में बैठने के समय मेरे ऊपर अपने हाथ को रखकर के प्रभु यीशु मसीह मुझे अनुग्रह करे, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में शांति और तसल्ली दीजिए, मेरे आंसुओं को पोंछ लीजिए परमेश्वर। यीशु मुझ पर दया करे, यीशु मुझ पर दया करे, यीशु मुझ पर दया करे। मेरे बातों को प्रभु जी मैं किसी को नहीं बोल सकता है, केवल आपसे ही बोल सकता हूँ और किसी को मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऐसे गुप्त रहस्य दर्द को लेकर के मैं घूम रहा हूँ। प्रभु यीशु मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे। आज इस शाम के वेला में, इस चंगाई प्रार्थना सभा में, मैं प्रभु आपके स्वर्ग के सिंहासन के पास आते हैं। तेरे स्वर्ग मेरे लिए खोल दीजिए प्रभु और आशीष को दे दीजिए। मेरे लिए आपके स्वर्ग खोल दीजिए और आशीष को भेज दीजिए मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे माँ बाप में, मेरे पति पत्नी में, मेरे बच्चों में, मेरे फैमिली में। प्रभु तेरी उपस्थिति और आशीष चंगाई आज स्वर्ग खोल के मुझे दे दीजिए। मैं संपूर्ण हृदय से तुझे पुकारता हूँ, मुझे काली हाथ नहीं भेज दीजिए प्रभु, मैं काली हाथ नहीं जाऊँगा। आज मेरे चंगाई को मैं लेकर के ही इस प्रार्थना सभा से वापस जाऊँगा। मुझ पर दया करे, मुझ पर दया करे, मेरे आंसू आज से मिट जाएं, मेरे दर्द आज से मिट जाएं, मेरे बीमारी आज से मेरे अंदर से चले जाएं, मेरे शरीर का चंगाई आज का दिन में हो जाए यीशु।
मुझ पर दया करे, 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 मुझ पर दया करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आँखों को खोले, परमेश्वर आपको प्यार करता है। और आज हम लोग एक और गीत को गाएंगे, मैं उसको ट्रैक के द्वारा आपको सामने गाने के लिए चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा गीत है, इसका शब्द ऐसा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। स्वर्ग का आशीष है परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ है। आइए प्रभु को सामने हम इस गीत को गाएंगे और सुनेंगे, प्रभु आपको आशीष करने पाए। मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पा जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पा जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता है, पुत्र रोटी मांगे तो पत्र देगा। तुम में से ऐसा कौन पिता है, पुत्र रोटी मांगे तो पत्र देगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पा जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पा जाएगा। बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु हम देता है तो स्वर्ग के पिता मांगने से पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, खटखटाओ। बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु हम देता, स्वर्ग के पिता मांगने से पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु हम देता, स्वर्ग के पिता मांगने से पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। कटटा कटटा तो खुल जाएगा, स्वर्ग के आशीष तुम्हें मिल जाएगा। कटटा कटटा तो खुल जाएगा, स्वर्ग के आशीष तुम्हें मिल जाएगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पा जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पा जाएगा। हालेलुया। दूध मुहे बच्चों को भी माँ अपने भूल सकता है, लेकिन प्रभु तुमको कभी नहीं भूलेगा। दूध मुहे बच्चों को भी माँ अपने भूल सकता, लेकिन प्रभु तुमको कभी भूल ना जाएगा।
ओ दूध मुहे बच्चों को भी माप ने भूल सकता, लेकिन प्रभु तुमको कभी भूल ना जाएगा। कटा कटा तो खुल जाएगा, स्वर्ग के आशीषे तुम्हें मिल जाएगा। कटा कटा तो खुल जाएगा, स्वर्ग के आशीषे तुम्हें मिल जाएगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पा जाएगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पा जाएगा। तुमने से ऐसा कौन पिता है, पुत्र रोटी मांगे तो पत्थर देगा। तुमने से ऐसा कौन पिता है, पुत्र रोटी मांगे तो पत्थर देगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पा जाएगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पा जाएगा। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 उसका 35 से लेकर के आखिरी तक हम पढ़ेंगे। कि जब वह यरीहो पहुंचने पर था तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। भीड़ के चलने का शब्द सुनकर वो पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने उससे बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वे जो मार्ग पर आगे आगे चल रहे थे उसे डांटकर चुप रहने को कह रहे थे, परंतु वो और भी अधिक चिल्लाता रहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर आज्ञा दी कि वो उसके पास लाया जाए, और जब वह पास आया तो उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, हे प्रभु ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वो उसी क्षण देखने लगा और परमेश्वर की महिमा करते हुए यीशु के पीछे चल पड़ा। जब सब लोगों ने ये देखा तो उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। जिस वक्त यीशु मसीह इस जगत में था तो उसने बहुत सा बीमार व्यक्तियों को चंगाई दिया है, अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोलने दिया, लंगड़ों को चलने दिया है, और कोड़ी बीमारी से लोगों को चंगा किया है। जो लकवे मार करके पड़े थे उन लोगों को चंगाई दिया। मुर्गी जैसे बीमारी है बाइबल में लिखा हुआ, चंगाई यीशु मसीह ने दिया है। और मरे हुए लोगों को यीशु ने कई बार जिलाया है। आंधी और तूफान और इस तरह का जो प्राकृतिक डिजास्टर्स जब हुआ तो यीशु ने उसको डांट के उसको कदम किया है। इस तरह का प्रकृति के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर और आत्मिक शैतानों के ऊपर यीशु मसीह का बहुत बड़ा सामर्थ्य को उसने दिखाया है। कई बार बाइबल में देखता है यीशु मसीह को देखते ही दुष्टात्माएँ चिल्लाते हुए लोगों को शरीर से निकल के जाता था, और वो कहता था तू परमेश्वर का पुत्र है, मुझसे दूर हो जाओ। ऐसे कर करके जिसका अंदर दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्तियों थे उसका अंदर से दुष्टात्मा निकल के भाग जाता था। इसलिए यीशु मसीह का द्वारा इतना बड़ा चमत्कार और चिन्ह उन दिनों में जिस वक्त यीशु मसीह धरती पर था हुआ है, इसलिए उनका नाम बहुत फेमस हो गया। उस समय लोगों के बीच में बहुत फेमस हो गया। यहाँ पर यही उसी समय पर एक अंधे भिखारी का दृष्टिदान को रिकॉर्ड करके बाइबल में रखा हुआ है। उन दिनों में ये चंगाई उस देश में हुआ था। आज हम क्यों इसको पढ़ रहा है? क्योंकि इसको पढ़ के
जब हम इसको मनन चिंतन करेंगे तो जो यीशु उन दिनों में अंधों को आंखें दिया है, इस व्यक्ति का जीवन में जो किया है वो मेरा जीवन में भी कर सकता है, आपका जीवन में भी कर सकता है। ये सच है क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह जीवित है और वो आज भी जीवित है। बाइबल में एक ऐसा वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों 13:8 में लिखा हुआ है, यीशु कल और आज और युगानुयुग एक जैसा है। क्योंकि हम सब परिवर्तित हो जाता है, हमारे एक सीमा रेखा है परंतु परमेश्वर का कोई सीमा रेखा नहीं है। गॉड इज़ एटर्नल, परमेश्वर आनंद है। इसलिए एक समय यीशु स्वर्ग में था, उसके बाद में एक समय यीशु स्वर्ग से धरती पर आ गया है मानव जाति को उद्धार देने के लिए, मानव जाति का पापों से मुक्ति देने के लिए, मानव जाति को मृत्यु से बचाने के लिए। इन सारे कामों के लिए एक समय के लिए 2000 साल पहले यीशु धरती पर मानव बन करके शरीर को धारण करके आया था और उसने सबसे आखिरी में क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान किया ताकि हम सब पापों से हम सबको मुक्ति मिलने के लिए उसने अपने लहू को हमारे पापों के लिए उसने बहा दिया है और उसने अपने जीवन को बलिदान के रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया और उसके द्वारा आज हमको मुक्ति मिला है। और उस समय यीशु अनेक चंगाई और चमत्कार किया है दुनिया में क्योंकि उसने प्रकट करने के लिए चाह रहा था कि वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है और वो सचमुच स्वर्ग से आया है, उनका सामर्थ्य को उसने दिखाया है। और यीशु मसीह ने फिर जैसे भविष्यवाणी किया था वैसे ही उसको उसका मृत्यु के बाद उसको उनको कब्र में रखा गया है। उसके बाद तीसरा दिन यीशु जी उठा है और अपने चेले लोग देखते देखते हुए समय उसने स्वर्ग पे आरोहित किया गया है 40 दिन के बाद में। तो वो यीशु ने बोल के गया, मैं फिर से आने वाला हूँ और जो मुझ पर विश्वास करोगे उसे मैं अपने पास जहाँ पर परमेश्वर और हम हैं स्वर्ग में ले जाऊँगा, ले जाएंगे। तो आज वो यीशु आज संसार में नहीं है शारीरिक रूप में, परंतु वो जीवित होकर के स्वर्ग में विराजमान है। उसने बोला कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। तो यीशु मसीह के पास बाइबल के अनुसार क्या क्या अधिकार है हमको देखना है। एक यीशु मसीह का अधिकार में बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उनके पास अधिकार है और हमारे हम सबको आनंद जीवन देने के लिए, मतलब आनंद जीवन मृत्यु के बाद में जो जीवन है वो देने के लिए उनके पास अधिकार है और हमको परमेश्वर का संतान होने के लिए वो अधिकार दिया है। हम देख रहा है कि यीशु मसीह के पास अधिकार है बीमारों को चंगा करने का, चंगाई का अधिकार उसके पास सामर्थ्य है और अबदूदों को निकालने के और इस तरह का बहुत सा अधिकार उनके पास है जो परमेश्वर के पास केवल होता है, वही है यीशु के पास में है क्योंकि वो परमेश्वर है। तो आज हम जिस वचनों को मनन चिंतन करते हुए हम प्रार्थना के ओर जा रहा है उस समय हमें मालूम होना है जिस अंधे व्यक्ति को दृष्टिदान दिया है वो यीशु आज भी जीवित है। भले आपका नज़र के सामने शारीरिक रूप में नहीं है परंतु वो आत्मा में जीवित है। उसने बोला मैं अपने पवित्र आत्मा को मैं तेरे पास भेजूंगा और वो पवित्र आत्मा आज संसार में रहेंगे और उसके कार्यों को करेंगे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा अर्थात यीशु मसीह की आत्मा, जब आप मेरे वचनों को सुनते हैं तो आपके अंदर में ये पवित्र आत्मा काम करता है। मेरा और आपके बीच में पवित्र आत्मा अभी है क्योंकि यीशु ने बोला दो या तीन जहाँ कहीं भी मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं मैं उसके बीच में उपस्थित रहता हूँ। इसलिए आज ऑनलाइन में क्यों ना हो, आप मोबाइल में देख रहा है या फिर आप कभी होटल में हो या फिर आप ट्रैवलिंग में हैं, बेडरूम में हैं, आप लेट रहा है या किसी भी तरह आप इस कार्यक्रम को आप देख रहा है, तो इस समय पवित्र आत्मा इसको देखने के समय इस मीडिया के द्वारा आपके अंदर उतर के आएगा और इन वचनों के अंदर परमेश्वर का शक्ति है। बाइबल में बोला है कि यीशु मसीह का वचन
जो है वो आत्मा और जीवन है। और जब हम बोल रहा है तो मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आपके पास आएंगे और आपके जीवन में इन वचनों को, जो परमेश्वर की आत्मा है जो आपके पास आएंगे, वो उन वचनों को प्रकट करेगा और आपके अंदर विश्वास को वो पैदा करेगा। उसके बाद में जब आप विश्वास करके आपको प्रार्थना करने की शक्ति भी वो पवित्र आत्मा देगा। आप प्रार्थना जब करेगा तो चंगाई भी परमेश्वर देगा, यीशु मसीह उसका पवित्र आत्मा के द्वारा देगा। इसलिए ये पॉसिबल है। आज आप इसको सुनने के समय आप विश्वास रखना है ये यीशु आज भी जीवित है, आपके जीवन में आज क्रिया करेंगे, उसका पवित्र आत्मा जीवित है। अनेकों चिन्ह और चमत्कार को और चंगाइयों को हम रोज देखते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई में लगभग 22 साल प्रभु को सेवकाई कर किया है, तो इसके अंदर में मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना चमत्कार और चिन्हों को मैंने देख चुका है। और इसलिए आज मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में भी ये चमत्कार और चिन्ह और चंगाई प्रभु देगा। तो आज इसलिए आपको कहाँ कहाँ चंगाई की आवश्यकता है। एक तो आपका मन में चंगाई की आवश्यकता है। कई लोगों का जीवन टूटा हुआ है, आगे नहीं जा पा रहा है, डिप्रेशन में है, और कई लोगों को बीमारी ही, उनका शारीरिक बीमारी ही उनका तकलीफ है। तो किसी के जीवन में अंधकार का शक्तियों ने उसको ग्रसित करके रखा हुआ, मतलब कई तरह का डिमांड से आज हमारे जीवन में। तो आज इन सारे विषयों को ऊपर इस वचन के द्वारा यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप इस पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा और विश्वास रखने के लिए कोशिश करिएगा। तो प्रभु आज इन सारे आपका मानसिक तनाव हो, डिप्रेशन हो, निराशा हो, व्याकुलता हो, या फाइनेंशियल मैटर हो, आपका शरीर में किसी भी तरह का डेंजरस बीमारी क्यों ना हो, आपका भविष्य के लिए चिंता हो, या आर्थिक समस्या क्यों ना हो, इन सारे बातों के ऊपर प्रभु आज आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए आज इस वचन को सुनने के समय आपको याद करना, आपको एक चीज़ में ध्यान देना है, इन वचनों के बीच में, ये सेवकाई में, इस आज जो कार्यक्रम आप देख रहा है और आप सुन रहा है, इसका इस सेवकाई के हीरो जो है कहेंगे वो यीशु मसीह है, ना मैं नहीं हूँ। मेरे पास ऐसा कोई ताकत नहीं है कि आपको चंगाई दे किसी मैजिक के द्वारा, मेरे पास नहीं है। वो यीशु के हाथ में है, वो यीशु ही आपको चंगाई देने वाला है। और यीशु के वचनों को मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और विश्वास करने के लिए आपको इंस्पिरेशन दे रहा है, और मैं आपके लिए प्रार्थना भी कर रहा हूँ, क्योंकि एक मीडिएटर के रूप में हम प्रभु का अभिषिक्त होने के कारण आपके लिए इंटरसीड करता है, मध्यस्थ करता है। परंतु हम केवल मध्यस्थ कर सकता है, चंगाई देने वाला यीशु मसीह स्वयं है। इसलिए मुझ पर आशा रखने से कोई फायदा नहीं है, यीशु पर आशा आपको रखना है। जिस वचन को सुनने के समय आपका कॉन्सेंट्रेशन प्रभु यीशु मसीह का और लेके आना है, आपका मन, आपका सोच विचार भावनाओं में आप यीशु को देखना है, और यीशु ही आपको चंगाई देने वाला है। जब यीशु को देखेंगे, यीशु पर विश्वास रखेंगे, यीशु से आप प्रार्थना करेंगे, आपको चंगाई जरूर मिलेगा। लूका 18 उसका 35 है, ऐसा हुआ कि जब वह यरीहो पहुंचने पर था तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। जेरूशलेम के पास एक जगह है यरीहो। यरीहो एक प्लेस जहाँ पर जो टाउन है, उस टाउन में आज उस समय तो, अभी तो हमारे पास गाड़ी है, फ्लाइट्स है, सब कुछ है, ट्रेन है, ऑटो रिक्शा है, कार है, सब कुछ है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। उस समय जहाँ भी जाना है पैदल चल के जाना है, इसलिए एक जगह से दूसरा जगह वो लोग पैदल ही चलता था। इसलिए यीशु मसीह यीशु मसीह का सेवकाय भी आज जो ग्लोबल जो है इंटरनेशनल लेवल में ऐसे करके नहीं, तो एक पर्टिकुलर प्लेस में उसका सेवकाय हुआ है। उस जगह में एक जगह है यरीहो। वो यरीहो शहर में
प्रवेश करने का समय था, मतलब यरीहो का जस्ट एंट्री उसका गेट के पास पहुंच गया है। तो वहां पर आप जानता है न्यू शहर में सब घुसेगा, काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है वहां पर, हो सकता है इसलिए ये अंधा भिखारी वहां पर बैठा हुआ था, क्योंकि उसको वहां पर लोग ज़्यादा मिलने से उनको कलेक्शन ज़्यादा मिल जाएगा। अब हम देख रहा है यीशु मसीह यरीहो पहुंच रहा है, उस समय एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। तो ये व्यक्ति अंधा था और दूसरा भिखारी भी था, फाइनेंशियली भी भिखारी, मतलब भिखारी मतलब सबसे खराब अवस्था है जीवन का भिखारी का, तो उसके साथ साथ अंधा भी है, अंधा भिखारी है। वो भीख मांग रहा था, तो उसको 36 में लिखा हुआ है, भीड़ के चलने का शब्द सुनकर वह पूछने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। तो ये अंधा भिखारी भिखारी बैठ कर के भीख मांगने के समय वो तो आंख उनको नहीं चलता है, लेकिन वो आवाज़ सुन रहा था लोगों का चलते चलते चलने का और भीड़ भाड़ का जो एक आवाज़ उन्होंने, क्योंकि अंधे लोगों का आंख नहीं चलने के कारण उनका कान बहुत शार्प रहता है, वो आवाज़ के द्वारा सब चीज़ पहचानता है। वो तुरंत उसी से पहचान लिया है कि लोग इधर से बहुत ज़्यादा लोग गुजर रहा है। तो उसने किसी से पूछा है, पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग एक साथ में चलते हुए उनको आवाज़ को सुन रहा है, महसूस कर रहा है, ये इधर क्या हो रहा है। उस समय 37 में किसी ने उससे कहा, बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। किसी ने उसको जवाब दिया, हो सकता है उसके साथ में बैठा हुआ दूसरा अंधा दूसरा भिखारी होगा जिसका अंधा पर नहीं है, वो व्यक्ति हो सकता है, उसने बोला कि ये यीशु नासरी है, यीशु नासरी जा रहा है। तो यीशु नासरी जा रहा है, यीशु नासरी का मतलब क्या है? यीशु नासरी मतलब यीशु मसीह, नसरेत करके एक जगह है गलील में, एक 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 विलेज है, वहाँ पर यीशु रहता था। इसलिए जैसे आप अपने जगह के द्वारा भी कई जगह आपके नाम को पुकारा जाता होगा, उसी तरह यीशु नासरी, नासरे नासरेत में रहने वाला, वही बोल रहा है कि वो उसी नाम से उस समय फेमस था। 38 को हम देखेंगे, उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। इसमें हम देख रहा है कि वो व्यक्ति तुरंत, यीशु नाजरी है ऐसे सुनने के समय तुरंत उसने पुकारना शुरू कर दिया, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। उसका मतलब इस व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में कुछ जानकारी था पहले से, कि उन्होंने सुना कहीं से कि यीशु मसीह एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो नासरत में रहता है, उनके द्वारा बहुत सा चिन्ह और चमत्कार अद्भुत और चंगाई होते हैं, ऐसे करके उन्होंने सुना है, और इस कारण उसने तुरंत पुकारा है कि इसके नाम को पुकारने से, इस यीशु मसीह का नाम को लेने से और यीशु का द्वारा मुझे चंगाई मिल सकता है, वो चंगाई करने के योग्य है। इसलिए उसका फेथ उसके अंदर में एक तरह से लोगों को सुनने के कारण उसका एक विश्वास पहले से जगा हुआ था। शायद हो सकता है उन्होंने मन में सोचा होगा कि कहीं ना कहीं भी एक दिन ये यीशु को मिलेगा तो मुझे उससे चंगाई को पाना है। इसलिए उसने जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिला है कि यीशु नासरी जा रहा है, तुरंत उसने इसलिए चिल्ला करके बोलने पुकारना शुरू किया, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। तो यहाँ पर उसने पुकार करके कहा तो क्या हुआ, 39 में लिखा हुआ है, वे जो मार्ग पर आगे आगे चल रहे थे उसे डांट कर चुप रहने को कह रहे थे, परंतु वह और भी अधिक चिल्लाता रहा, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। देखिए, ये ऐसे पुकार के चिल्लाने शुरू किया
तो उनके पास में जितने लोग था वो सब उनको बोला कि उनको डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि है कि चुप रहो, चिल्लाओ मत ऐसा करके। लेकिन उससे क्या ये चुप रहा? नहीं चुप रहा है। यहाँ लिखा हुआ है वो और भी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब आप प्रभु के पास जाने के समय आपको रोकने के लिए इस रीति से कई बातें उड़ के आपके सामने आ सकता है, आपको चंगाइयों को रोकने के लिए या फिर आपके आत्मिक आशीषों को रोकने के लिए बहुत सा बाधाएं आएंगे और बोलेंगे कि चुप रहो, बंद करो ये सब, ऐसे करके आपको डिस्करेज करने के लिए कोशिश करेगा। ये एक्चुअली यीशु के पास जाने के समय शैतान ने लोगों के द्वारा कार्य करता है कि आपको चंगाई को रोकने के लिए, इस व्यक्ति को दबाने के लिए, इसका चंगाई को इससे दूर करने के लिए। शैतानी ताकत ये सोच रहा था कि इस व्यक्ति को यीशु के नाम से चंगाई ना मिले, यीशु का और से चंगाई इसको ना मिले। इसलिए हम नहीं देखते हैं, हम तो शरीर का बातों को ही समझता है, लेकिन वातावरण में डिमोनिक फोर्सेस होता है, वो आपको बीमार रखने के लिए चाहता है। बाइबल में शैतान के विषय में जो बोलता है, शैतान आपको बीमार रखने के लिए चाहता है, वो आपका विनाश को चाहता है, आपका परिवार बर्बाद होने के लिए चाहता है, आपका फैमिली डिस्ट्रॉय होने के लिए चाहता है, आपका आर्थिक, आपका शारीरिक, मानसिक बातों के ऊपर डिस्ट्रॉय करने के लिए वो चाहता है। वो चाहता है कि इसलिए यीशु के पास कोई ना जाए। यीशु के पास जाने से चंगाई मिलेगा, यीशु के पास जाने से परिवार का बंधन टूट जाएगा, यीशु के पास जाने से भविष्य के लिए जो संकट है वो यीशु ने दूर करेगा, और कोई दुष्टात्मा भी है तो यीशु उसका उस व्यक्ति को या उस परिवार को छुड़ाएगा। ये शैतान जानते हैं। इसलिए शैतान जैसे ही आप यीशु का नाम लेने के लिए शुरू करता है, जैसे ही आप यीशु के पास जाने के लिए शुरू करता है, कई तरह का डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने लेके आएगा, आपका प्रार्थना को रोकने के लिए, आपका विश्वास को कमज़ोर करने के लिए, आप प्रभु को बसने में बैठने से आपको हटाने के लिए। ये सारा बाधाएं शैतान लेके आता है। वो शैतान डायरेक्टली उड़ के स्पिरिट के रूप में आपके पास नहीं आता है, परंतु वो किसी व्यक्ति के द्वारा, आपका दोस्त के द्वारा हो सकता, आपका पारिवारिक रिश्तेदारों के द्वारा या फैमिली के अंदर में, या अलग कुछ बात होगा उसके कारण आप परमेश्वर का और जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, जो फेथ है, उसको गिराने के लिए कोशिश करेगा। और इसलिए वो कोशिश करता है आप जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही रहे। यदि आप बीमार है तो बीमार में ही आप रहे, यदि आप आर्थिक समस्या में है तो वैसे ही आप कष्ट को झेले, या आपका परिवार के अंदर में कई तरह का प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, अशांति है, शांति का माहौल है, तो शैतान उससे आनंद लेता है। जब एक परिवार डिस्ट्रॉय होता है तो शैतान ताली बजाता है, उसको बड़ी आनंद लगता है। आपके शरीर में चंगाई, आपके शरीर में बीमारी है, आप मान लीजिए आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आपके पास में भयानक बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया, इस तरह की बीमारी, और किडनी या और बड़े बड़े डिजीजेस आज जो होते हैं, ऐसे कोई बीमारी आपके शरीर में आता है तो उससे शैतान बहुत खुश रहता है, क्योंकि वो चाहता है, वो देखने के लिए चाहता है कि आप तड़पे बीमारी के द्वारा, आपके शरीर के वेदनाओं से, आप दर्द से पुकारे हरदम, और इस कारण आप परमेश्वर को श्राप दे। हमने कई बार, कितना बार हमने श्राप दिया है सृजनहार को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, हमने श्राप दिया है कई बार, क्योंकि हमने, जब हमारे जीवन में कष्ट होता है, बीमारियां आते हैं, पारिवारिक प्रॉब्लम्स आते हैं,
तो हम सीधे सीधे परमेश्वर के विरुद्ध बोलना शुरू कर देता है, परमेश्वर के विरुद्ध हम लड़ना शुरू करता है और परमेश्वर से हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों मेरे जीवन में हुआ है। एक्चुअली परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं भेजा है, उसने किसी को कष्ट नहीं भेजता है, वो चंगाई को देता है, वो चंगा करने वाला प्रभु है। आपका खुशी और आनंद वो केवल चाहता है। यदि आपका जीवन में आज किसी भी तरह का बीमारी हो, टेंशन हो, आपका पारिवारिक पर्सनल क्लेश में, फैमिली प्रॉब्लम्स में आप पड़े हो, जिंदगी के तनाव में आप पड़े हो, तो आप इस बात को आज अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर ये नहीं चाहता है। इसलिए यीशु को आपके पास भेजा है इस धरती पर। यीशु मसीह धरती पर क्यों आया, क्यों वो आत्मा परमेश्वर मनुष्य बनकर के आया? क्योंकि मानव जाति को उद्धार और चंगाई देने के लिए। यीशु धरती पर इसलिए आया है कि मनुष्य को आशीष देने के लिए। वो स्वयं जानते हैं आपके क्लेश को और पीड़ा को, क्योंकि वो शरीर में होकर के आने के कारण, शरीर में जो हम आज सहते हैं उन तकलीफों को यीशु मसीह अच्छी तरह उसको मालूम है, यीशु मसीह को अच्छी तरह उसको मालूम है, क्योंकि वो स्वयं शरीर में होकर के आया है। वो स्वयं मनुष्य का शरीर को धारण करने के कारण आप जब बोलेगा मेरे को सिर दर्द है, तो यीशु मसीह को मालूम है। आप बोलेगा मुझे भूख लगता है प्रभु जी, तो बाइबल में लिखा हुआ यीशु भूखा था एक समय। आप बोलेगा मेरा शरीर में घाव है, मेरे शरीर में कैंसर है, मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, तो यीशु मसीह बाइबल में लिखा हुआ उसने खोड़े खाया है, उसका शरीर को बेदा गया है हमारे मुक्ति और उद्धार के लिए। और आप बोलेगा मेरे को सब लोग तिरस्कार कर दिया है, मेरे परिवार के लोग मुझे तिरस्कार कर दिया, मेरे दोस्त मित्र मुझे बाहर कर दिया, मेरे जो जो क्लोज रिलेटिव्स था मुझे बाहर कर दिया है, और इस तरह का कई ऐसे चीज़ आपको होगा, लोगों ने नेग्लेक्ट किया है आपको महसूस किया, इस कारण आपका जीवन में बहुत बड़ा दुख है, तकलीफ है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ है। ये सारा चीज़ जब आपके जीवन में होता है तो आप समझ लीजिएगा यीशु मसीह ये सारे आपके वेदनाओं को जानते हैं, क्योंकि यीशु के पिक्चर को आपने देखा होगा, यीशु ने क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान किया है, उसके सारे शरीर को उसने आपके लिए तोड़ा गया है, उसने वेदनाओं को सहा, उसका अपने मित्र लोग उसको धोखा दिया है, उसको पकड़वा दिया है झूठ बोल बोल करके, और उसको आखिरी में क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो आपका तिरस्कार, आपको लोगों ने जो निग्लेक्ट किया, आपका फैमिली का दर्द, आपका पारिवारिक तकलीफ, आपका मानसिक मेंटल टेंशन यीशु मसीह जानते हैं। आपका शरीर में वेदना है गांव के कारण, या किसी अंदरूनी अंग में आपको तकलीफ है, तो बोलने के पहले ही यीशु मसीह जानते हैं, क्योंकि ऐसा पीड़ा से यीशु मसीह शारीरिक रूप से होकर के गया है, उसने अपने शरीर में ये वेदनाओं को सह लिया है। इसलिए आपका शरीर का वेदना यीशु जानते हैं। जिस वक्त आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बोलेंगे प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए, मेरे शरीर में ऐसा बीमारी है, डॉक्टर भी मुझे जवाब दे दिया है, कोई मेडिसिन मुझे इफेक्ट नहीं करता है, मेरे दिन अभी बाकी नहीं रह गया प्रभु, ऐसा जब आप बोलेगा तो यीशु मसीह जिसने अपने शरीर में आपके लिए वेदनाओं को सहा है, आपके शरीर का वेदनाओं को वो जानेंगे, उसको मालूम है। इसलिए आप जिस वक्त प्रेयर करते हैं वो सुनेगा और आपको तुरंत चंगाई दे देगा। हालेलुया। इसलिए इस चंगाई जब आपको मिलेगा तो वो चंगाई के कारण आप आशीषित होगा, आपका वेदना से आप बाहर निकलेगा, आप प्रभु का महिमा करेंगे। ये शैतान देखना नहीं चाहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है पाप बीमारी श्राप मृत्यु शैतान के द्वारा आया है, परमेश्वर के द्वारा नहीं आया है। आज हमारे जीवन में पाप है, श्राप भी है,
बीमारियां हैं, मृत्यु है, ये सारे चीज शैतान के काम के कारण आया है। इसलिए वो चाहते हैं कि हमेशा इस चार चीज के अंदर में आपको बांध कर रखे। किस चार चीज? एक पाप, पाप में आप बांध कर रखे। पाप मतलब कोई भी शारीरिक, आत्मिक, मानसिक पाप हो सकता है। शराब के बंधन, व्यभिचार, झूठ बोलना, अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसी भी तरह का पाप, अश्लीलताएं और अन्य पाप, जादू टोना, इस तरह का जो पाप होता है, आत्मिक जो स्पिरिचुअल सिंस हैं, जो परमेश्वर को छोड़ करके अंधकार में चलना, और जो मानसिक पाप, किसी को नफरत करना, किसी से गुस्सा, बदला लेने का भावना, ईर्ष्या, क्षमा नहीं करने का भावना, ये सब मानसिक सिन है, मानसिक प्रॉब्लम्स है, मानसिक पाप है। हमारे अंदर गुस्सा है किसी के प्रति, हम बदला लेने के लिए चाहता है, हम नहीं क्षमा करने के लिए चाह रहा है, काफ़ी साल से हम किसी से क्षमा नहीं किया है। हालेलुया। काफ़ी साल पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया था, एक लड़का मेरे पास आया, किसी ने मेरे पास भेजा था कि इसको ले चलिए, आप अपने साथ में रखिए। अब वो बोला कि मैं प्रभु यीशु के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, मेरे पास प्रभु के लिए बहुत बड़ा बोझ है। मैं बोला कि ठीक है, आप रहिए, बात करते हैं। उसके बाद मैं पूछा तो पता चला कि वो अपने पिताजी से लड़ाई करके निकला है घर से। मैंने उनको बोला कि क्यों निकला है, बोला कि हम प्रभु पिताजी से हम अपने हिस्सा को मांगा है, परंतु पिताजी अपने हिस्सा मुझे नहीं दे रहा है। और उसने बोला कि ये कागज़ में लिख करके इसके पॉकेट में डाल दिए, यही तेरा हिस्सा है, तले चले जाओ, ऐसे करके उसने भगा दिया घर से। उसी दिन से उसने बोला कि मेरे पिताजी से मुझे बहुत बड़ा नफरत है, मुझे कुछ करके दिखाना है पिताजी के सामने, इसलिए मैंने आपके पास आया है, मुझे यीशु से बहुत बड़ा प्रेम है, मैं उसके लिए जीऊँगा। मैंने बोला कि भाई बाबू सुनो, ऐसी बात है कि आप यीशु मसीह का सेवा तभी कर सकता है कि आप अपने पिताजी को क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा जो है ये परमेश्वर का, परमेश्वरत्व का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि वो क्षमा, जब तक आप अपने पिताजी को क्षमा नहीं कर सकता है तब तक आप परमेश्वर का पास नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको सबसे प्रथम आपके पिताजी को जाकर के क्षमा करना है और उससे मेल मिलाप होना है, तब जा करके आप प्रभु के पीछे कर सकता है। इसी रीति से ये मानसिक पाप है, एक रिवंज है, उस तरह का रिवंज या नहीं क्षमा करने का इस तरह का भावना जो है मानसिक पापों में आता है। इसके अंदर से भी प्रभु आपको छुड़ाएंगे आज रात में। ऐसा कोई व्यक्ति मुझे सुन रहा है, आपने किसी से क्षमा करने के लिए अभी बाकी है, किसी से आपका बहुत बड़ा गुस्सा है आपका जीवन में, आप उस व्यक्ति को बारे में सोचते हैं कि मैं उसके साथ बदला, मैं उसको बदला दूंगा, आज नहीं तो कल उसको करके दिखाऊंगा, मैं उसको ज़िंदगी में कभी भी क्षमा नहीं कर सकता है, मैं कभी उसके साथ में नहीं रहूँगा, ऐसा करके यदि कोई व्यक्ति मेरे को सुन रहा है तो आज रात आपके जीवन में परिवर्तन आने दीजिए। आज रात उस व्यक्ति को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा कीजिए और आज उससे मेल मिलाप कीजिए, और जब आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन में छुटकारा मिलेगा, आपके जीवन का मानसिक प्रॉब्लम, आपको जो सिन जो है आपसे दूर हो जाएगा, तो शांति प्राप्त करेंगे। तो आज रात में हम इस विषय में देख रहा है कि शैतान आपका खुशी, आपका चंगाई, आपका अनुग्रह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, नहीं देखने के लिए चाहता है, इसलिए किसी न किसी रास्ता से प्रभु यीशु मसीह के पास आप जाने के लिए जब तैयार होते हैं तो वो रोक डालने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन ये व्यक्ति क्या किया है, ये अंधा व्यक्ति को दबा रहा था कि उसका नाम को ना पुकारो,
तो अंधा व्यक्ति ने क्या किया, वो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, उसने और जोर से पुकारा है। यही आज रात आपको करना है। आपका अंदर में शैतान भी आपका अंदर का विश्वास को डाउन करने के लिए इस वक्त कोशिश कर रहा क्यों ना हो, आपका मन में प्रभु का वचन पर विश्वास करने के लिए यदि कोई प्रेशर है, तो यही है वो बात कि आप उसको क्रॉस कर दीजिए आज रात में, और आपके मन में जो नेगेटिविटी आते हैं उसको डांटिए और बोलिए कि मुझे यीशु से मिलना है और मैं परेशान हूँ अपने जीवन में, मुझे आज रात में चंगाई की आवश्यकता है, हट जाओ शैतान और मुझसे दूर हो जाओ, ये बोलिए। वो सबसे प्रथम कदम है कि आप यीशु से चंगाई पाने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे उसने क्या कर दिया। तब यीशु ने टहक कर आज्ञा दी कि वह उसके पास लाया जाए, और जब वह पास आया तो उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। 42 में यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह उसी क्षण देखने लगा और परमेश्वर की महिमा करते हुए यीशु के पीछे चल पड़ा। जब सब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। देखिए, जिस वक्त उसने जो दबाव को क्रॉस किया है, जिस दबाव उसको ऊपर में आया, वो हो सकता कोई पर्सन हो सकता है, तो अपने ही अंदर में सोच विचारों में ये प्रेशर आ सकता है कि यीशु के वचनों में विश्वास नहीं करना है, यीशु के वचनों के पास नहीं ध्यान लगाना है, अरे कुछ नहीं हो सकता है, हमको कोई चंगाई नहीं मिल सकता है, हटो चलो इसको ऑफ कर देते हैं, आप मीडिया से देखने के समय इसको सुनेंगे नहीं, इस तरह का कई ऐसे डिस्ट्रैक्शंस, या कोई आपका दोस्त आएंगे, मित्र आएंगे, परिवार के लोग आएंगे, आपको इससे डिस्ट्रैक्ट करेगा। ये चैनल में आज आप सुनने के समय प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपका चंगाई का काम अभी चल रहा है, आप पेशेंटली पेशेंट के साथ में जब बैठेगा और सुनेगा और परमेश्वर की और अपने विश्वास को आगे रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, जो चंगाई इस वचन में बोला हुआ वो आपका हो जाएगा आज रात में। ऐसे तो एक कहावत हमारे बीच में बोलता है, क्या है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि आपको चंगाई मिलने के लिए आप स्वयं उसके लिए प्रयत्न करना ज़रूरी है। इसलिए वो गीत हम सबसे पहले गाया था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, कटक कटकटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये गीत जो गाया था उसके अंदर में ये लिखा हुआ था, इसलिए कि मांगना ज़रूरी है। ठीक है, आप बीमार हो जाने से आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा नहीं कि डॉक्टर को फ़ोन करके बोल देते आके देख लीजिए मुझे और अपने पास ले जाइए और चंगा हमको चिकित्सा दे दीजिए, ऐसे नहीं बोलेंगे आप। आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के क्लिनिक में जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, समय निकाल करके और उसका पर्ची काटना पड़ेगा और सारा इलाज जो भी बोलेगा उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा, तब जा करके आपको हीलिंग मिलता है। या फिर किसी भी बात है आप स्वयं उसके लिए जाना पड़ता है आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वैसे ही होता है आप परमेश्वर से भी कुछ चंगाई को पाने के लिए, आशीषों को पाने के। लोग बोलते हैं कि अरे ईश्वर जानता है तो हमको दे दे, ऐसे आने दे, हम तो इधर ही हैं, क्या वो हमको नहीं दे सकता, नहीं सुन सकता? यस, वो आपको सुनता है और देखता है, फिर भी वो चाहता है कि आप उसके पास जाएं और उससे पूछें। यही यहाँ पर देख रहा है यीशु मसीह ने, उसका आवाज़ सुनते हुए यीशु मसीह ने बोला कि उसको मेरे पास लेके आओ। ये कब यीशु ने बोला है? उसने उस बाधा को तोड़ करके उसको, उसके आसपास के लोग बोला कि चुप रहो, कुछ नहीं बोलना है, बंद बंद करो अपने आवाज़ को, चिल्लाओ मत। ऐसे बोलने के समय उसने उसको क्रॉस किया है। फर्स्ट काम वही है, आपको दिमाग को जो विश्वास से बाहर भटकाने के लिए जो आपको दबाव दे रहा है उसको पहले आप क्रॉस करना है, वही है चंगाई का पहला कदम।
उसको क्रॉस करना है। उसने वहाँ पर क्रॉस किया है, उसने ब्रेकआउट किया है, उसने क्रॉस ओवर किया है, उसको ऊपर से वो खुद गया। ये चंगाई का फर्स्ट स्टेप है। तब जा करके यीशु ने इसका आवाज़ को सुना है। ये आपको भी करना है। कई लोग ऐसे ही प्रार्थना निवेदन लिखने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रार्थना निवेदन जरूर आप लिखिए, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि आप प्रार्थना जीवन आप प्रे फॉर माय फादर, प्रे फॉर माय मदर ऐसे करके लिखने से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू प्रे फॉर योर मदर, यू हैव टू प्रे फॉर योर फादर। आपको स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा। हम केवल एक मीडिएटर हैं, हम नहीं कर सकते आपका काम। आज ठीक है मेरा काम है, वो तो हम कर रहा है, अभी भी कर रहा है, आपके सामने वही कर रहा है, बहुत मुश्किल से हम इस सेवकाई को करता है आपके पास वजन भेजने के लिए। हमें कोई कुछ नहीं देता है कि इतना पैसा तुमको दे देंगे तो इसको काम कर देना। मैं किसी से एक रुपया नहीं लेता है, वॉलंटियरली इसके सेवकाई को करता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम अपने काम कर रहे हैं, आपको अपने काम करना ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ कि इसको ब्रेकआउट करना है। आपका चंगाई यदि आपको चाहिए, आपका जीवन का समस्या से आपको उत्तर छुटकारा चाहिए, तो आपको जो अविश्वास को अविश्वास के पास आपको ले जाने वाला हर एक डिस्ट्रैक्शंस को, या वो मानसिक लेवल में आए, फिजिकल लेवल में आए, आप उसको तोड़ डालें। तब जा करके आपका हीलिंग का, चंगाई का पहले कदम को आप रखता है, उसके बाद जो होता है चंगाई का नेक्स्ट स्टेप्स होता है। इसलिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को अपने पास लेके आने के लिए बोला। तब लोगों ने यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति को लेके आया। लेके आने के समय यीशु ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूँ? ये एक राइट क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने देख रहा था ये एक भिखारी है। हो सकता है ये अपने आँख की रोशनी के लिए नहीं मांग रहा होगा कुछ डिमांड, हो सकता है उसका कुछ पैसा का ज़रूरत है। वो ऐसे बोल सकता है, मेरे को एक घर बना के दे दीजिए, मेरे बेटी का शादी है उसके लिए पैसा दे दीजिए, या कुछ मुझे मदद कीजिए, कुछ भी बात हो सकती है। इसलिए यीशु मसीह को क्लारीफाई करना था कि आपको रियल में क्या चाहिए। ये राइट क्वेश्चन है। तो आज रात में आपसे भी परमेश्वर पूछ रहा है यीशु मसीह मेरे इस वचन के द्वारा कि आपको क्या ज़रूरत है। आज रात में आपको क्या चाहिए? यहाँ पर आगे देख लीजिए, वो व्यक्ति बोलता, उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूँ। उसने एकदम क्लियरली उसका डिमांड्स को, उसने उसका डिमांड को बोल दिया है। उसने क्लियरली उसका आवश्यकता को पेश कर दिया है। उसने बोला कि हे प्रभु, मुझे देखना है। उसने कहा, मैं देखने लगूँ। तो यीशु का क्वेश्चन बहुत क्लियर था। यीशु के लिए उस भिखारी का आंसर भी बहुत क्लियर था। उसने बोला है कि मुझे देखना है प्रभु। ये क्लियर आंसर उसने दिया। तो यीशु ने वहाँ पर उसको बोला, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह उस क्षण देखने लगा और परमेश्वर की महिमा करते हुए यीशु के पीछे चल पड़ा। हालेलुया। कैसे एक हीलिंग को, एक चंगाई को आप हासिल कर सकता है, उसका सिस्टमैटिकली इन बातों को आप इसके अंदर में देख सकता है। इसके अंदर में यीशु के पास जाने के समय रुकावटें आ जाते हैं, उसने वो ब्रेक कर दिया। तब जाकर के यीशु ने उसको बुलाया, मेरे पास लेके आओ। वो ही उसके पास आया। तब यीशु मसीह ने उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तब उस व्यक्ति ने बोलता है, मुझे देखना है प्रभु। तो यीशु ने उससे कहता है कि देखने लग,
तो बाइबल में लिखा हुआ है उसी क्षण वो चंगाई को प्राप्त किया, वो देखने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कोई वहाँ पर अधूरा आंसर यीशु ने नहीं दिया है, यीशु ने तुरंत बोला देखने लग। कितना कितना सिंपली उसने चंगाई को दे रहा है। यह ऐसा ही सिंपल वे में यीशु मसीह आज रात आपके शरीर को भी चंगाई दे सकता है। कितना कितना आप देखेंगे, क्या उसने कोई प्रयास वहाँ पर कर रहा है, यीशु मसीह ने कोई कसरत वहाँ पर कर रहा है, बैठ करके बहुत देर कुछ कर रहा है, कुछ नहीं। यीशु ने बोला देखने लग, वो देखने लग गया है। दैट इज गॉड। ये परमेश्वर का सिवा कोई नहीं कर सकता है। हम आप बोलने से नहीं हो सकता, हम आप बोलेंगे कि देखने लग तो देखेगा नहीं है कोई, परंतु यीशु मसीह बोला है देखने लग, तब उसका आंखें खुल गया है, वो देखने लगा। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर आज जीवित है, वो आज आपके जीवन में भी यही करने के लिए जा रहा है। विश्वास कीजिए, और वो व्यक्ति चंगा हो गया है, उसने देखने लगा। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था कि एक दिन वो यीशु, जिसके बारे में मैं सुना है, यीशु नासरत में रहने वाला, बहुत लोगों को, अंधों को चंगाई दे दिया है, और मुझे भी उसी से चंगाई को हासिल करना है। वो अपने दिल में तरसा है, वो अपने दिल में इंतज़ार किया है, मेरे लिए एक दिन ऐसा मौका प्रभु खोल दीजिए ताकि मैं आपके चरणों पर आऊँ, आपसे मिलूँ और आपसे चंगाई को हासिल करें। यह कि उसका सपना था, वो सपना को परमेश्वर पूरा किया है। काफ़ी दिन का इंतज़ार के बाद उस शहर से यीशु मसीह ने गुजरा तो अंधा व्यक्ति बाहर का आवाज़ को सुन करके उसको पता चला कोई भीड़ भाड़ इधर से जा रहा है। उसने पूछा कि क्या हो रहा है, तो वहाँ पर बैठे हुए कोई किसी ने बोला कि यहाँ से यीशु नासरी जा रहा है। केवल उतना ही सुनने के इंतज़ार था, उन्होंने पुकारना और चिल्लाना शुरू कर दिया, हे यीशु नासरी दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। ये जैसे पुकारा है आज रात में आप भी पुकारे, हे यीशु मुझ पर दया करें, हे यीशु मेरे परिवार के ऊपर दया करें, हे यीशु मेरे बीमारियों के ऊपर दया करें। तो ये दया करके करने के लिए पुकारा, तब यीशु ने उस आवाज़ को सुना है। तब जा कर के यीशु ने लोगों को बोला कि उसको मेरे पास लेके आओ। जब आप इस रीति से यीशु से दया के लिए पुकारेंगे तो यीशु मसीह निश्चय आपका आवाज़ को सुनेंगे। आज मीडिया के द्वारा आप मेरी आवाज़ सुनने के समय, मैं अपने वजन कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल यीशु मसीह का वजन आपको बोल रहा है, और जिसने इस घटना को किया है, इसलिए इस बोलने के समय प्रभु का वचन में ही लिखा हुआ है, उसके पवित्र आत्मा आपके पास आएंगे, और इस वचनों को सुनने के समय आप प्रभु का आवाज़ को इसी वक्त सुन रहा है, और आपके आवाज़ उसने सुन लिया है। यदि मेरे सामने बैठने के समय यदि आप दिल से ऐसे अभी पुकारा है कि प्रभु मुझ पर दया करे, तो निश्चय आपका आवाज़ अभी अभी यीशु मसीह ने सुन लिया है। आपका चंगाई का आवश्यकता कौन सी बीमारी के लिए मुझे नहीं मालूम है, उस बीमारी के लिए आप ऐसा चिल्लाएं आज रात में मन में और पुकारे, यीशु मुझ पर दया करे, प्रभु मुझ पर दया करे। आपके लिए तो बहुत सा डिमांड्स हैं, लेकिन आज प्रभु का वचन सुनने के समय प्रभु आपसे पूछ रहा है कौन सी चीज़ में आपका चंगाई की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप उसको स्पेसिफाई करेंगे तभी चंगाई मिल सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, क्यों यीशु मसीह ने ऐसे पूछा है, क्या यीशु तो परमेश्वर है, उसको नहीं मालूम था इसके इच्छा का, इसके दिल की इच्छाओं को, वो जानते थे, फिर भी उसने पूछा है कि तुमको क्या चाहिए,
क्योंकि यीशु मसीह स्वयं उसका मुंह से यह डिक्लेयर करवाना, उससे बुलवाना चाहते थे कि उसका डिमांड वो अपनी ओर से बोले, अपने आवश्यकताओं को एकदम क्लियरली उससे मांगिएगा। इस वचनों को सुनने के समय मेरे को शरीर में प्रभु जी कैंसर है, मेरे अंदर में किडनी ट्रबल है, लिवर का प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या क्यों ना हो, या फिर मेरे हस्बैंड का, मेरे पति के विषय में, मेरे बच्चों के विषय में, आर्थिक बात में, कोई भी बात है, आप उस विषय को क्लियरली भी आज प्रभु के सामने रखिएगा। तो इससे क्या होता है, जब आपको ये चंगाई मिल जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने फलाना दिन इस कार्यक्रम को देखने के समय, उसका आवाज़ को सुनने के समय मैंने यीशु से प्रार्थना किया था और मेरे जीवन में पूरा हो गया। और जब वो चंगाई आपको मिल जाने के बाद आपको पता चलेगा आप प्रभु से प्रार्थना किया था इस विषय में। इस कारण क्या होता है, प्रभु का महिमा हो जाता है। आगे देखिएगा इस वचन में ऐसा ही हम देख रहा है, वह उसी क्षण देखने लगा और परमेश्वर की महिमा करते हुए यीशु के पीछे चल पड़ा। देखिए यही चीज़ हुआ है, जब उसने देखने लगा तो उसने परमेश्वर की महिमा किया है और यीशु के पीछे चला। तो परमेश्वर की महिमा तभी होता है, आप मांगना है तब मांगने के बाद प्रभु आपको चंगाई देगा, तभी ना पता चलेगा कि प्रभु दिया है, अब मांगा ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा। तो क्लियरली आपका आवश्यकताओं को प्रभु के सामने आप रखना जरूरी है ताकि आपको चंगाई प्रभु दे, देने के समय आपको पता चले कि मैंने मांगा था इसलिए प्रभु हमको दिया है। तो उससे क्या होगा, आपको प्रभु को महिमा करने के लिए अवसर होगा। क्यों आप प्रभु को महिमा करने की जरूरत है, इसके नीचे और भी लिखा हुआ है, जब सब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की। अर्थात जब इस व्यक्ति इस चंगाई को देख करके परमेश्वर का महिमा करने के लिए शुरू किया है तो चारों तरफ जो लोग था सब लोग इस आदमी को, इस अंधा व्यक्ति को देखना शुरू कर दिया और सब लोग परमेश्वर का महिमा किया है। इसलिए आज रात इस वचनों को देखने का और सुनने का समय, आपके जीवन में जो चंगाई होगा उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह का महिमा यीशु मसीह चाहता है। इसलिए आपको केवल चंगाई करके भेजना नहीं, आपके चंगाई के द्वारा परमेश्वर का महिमा भी होना जरूरी है। इसलिए आज रात में हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। इस समय आपके अंदर में बहुत सा पॉइंट्स को इस वचनों के द्वारा आपने प्राप्त किया है, आज रात में इतना ही प्रोसेसिंग है आपको भी करना। इस वचन को सुनने के समय आप इस वचन के अंदर बोले हुए यीशु के और आपके नजर आए, मैं नहीं चंगा करने वाला हूँ, मेरे द्वारा चंगाई नहीं हो सकता है, परंतु यीशु मसीह के अंदर आपका जो विश्वास है इस वचनों के द्वारा, उसके द्वारा आपको चंगाई मिलेगा। और दूसरा बात, मेरा फिर क्या रोल है इसको भी समझना है। प्रभु मुझ पर दया करें ऐसे करके जब चिल्लाया तो लोगों ने दबा दिया, उस समय यीशु ने सुना तो यीशु ने कुछ लोगों से बोला कि उसे मेरे पास लेके आओ। वो लोग हैं हम, मेरे काम है आपको परमेश्वर के पास, यीशु के पास लेके चलना, यही काम हम करते हैं। और मैं केवल उस व्यक्ति हूँ कि उस भिखारी को यीशु के पास कुछ लोग ले गया, लेके आने के लिए बोला तब ले गया, वही व्यक्ति केवल हम है, हमको और कोई रोल नहीं है। विश्वास उस अंधा ने किया, पुकारा उस अंधा ने, डिमांड भी अंधा ने किया है, क्वेश्चन भी यीशु मसीह ने उसी से पूछा है, आंसर भी उसने दिया, मुझे यही चंगाई चाहिए,
चंगाई प्रभु उसी को दे रहा है, विश्वास उसी ने किया है, प्रार्थना उसी ने किया है, बाधा को उसी ने तोड़ा है, सब कुछ वो व्यक्ति किया है, उसके प्रयत्न और विश्वास और प्रार्थना चिल्लाना के कारण यीशु अट्रैक्टेड हो गया। आज रात में भी आपके प्रार्थना के कारण, आपके विश्वास के कारण यीशु आपकी ओर अट्रैक्टेड होगा, ना कि हम प्रार्थना करने से। ऐसे नहीं सोचना है कि हम मीडिएटर हैं, यीशु का प्रभाव को आपके जीवन में लाने के लिए हम मीडिएटर जरूर हैं, लेकिन ये नहीं कभी सोचना है कि मेरा केवल प्रार्थना से आपको चंगाई मिलेगा और आप अपने हृदय को यहाँ वहाँ कहीं भी या आपका मन इधर उधर विचलित रख सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको विश्वास करना है तब चंगाई मिलेगा। किस पर? इस प्रोग्राम में नहीं, मुझ पर नहीं, यीशु मसीह पर, जो चंगाई दिया है, जिसने, जो प्रभु युगान युग रहता है और आज भी जीवित है, मर गया क्रूस पर परंतु तीसरा दिन जी उठा, आज दुनिया में रहता है और वो फिर से आने वाला है। वो यीशु मसीह आज भी जीवित है, अनेक लोगों को चंगाई देता है। तो आज वो अवसर है आपका शहर के पास, आपका जीवन के शहर, आपका जीवन का शहर का फाटक के पास यीशु पहुंच गया है। आज रात में आप उसका आवाज़ को सुन रहा है, उसको चलने का शब्द सुन रहा है। अभी आप, हो सकता है फिजिकली आप अंधा नहीं हो, परंतु स्पिरिचुअली आप अंधा हो सकता है। आत्मिक रीति में अंधापन होता है, ये व्यक्ति का तो भौतिक अंधापन है, परंतु आत्मिक अंधापन भी होते हैं। आत्मिक अंधापन का मतलब क्या है? हम पाप में रहना, परमेश्वर से दूर अपने जीवन को चलाना, ये आत्मिक अंधापन है। यदि आपका जीवन में आत्मिक अंधापन भी क्यों ना हो, आज आप बहुत बड़े पाप के बंधन में क्यों ना हो, शराब के बंधन या नशेले पदार्थ के बंधन, व्यभिचार के बंधन, अश्लील चित्रों को देखने के बंधन और अश्लीलता बोलने के बंधन, अनर्थ रिश्ताओं को रखने के बंधन, अपने पत्नी से प्यार करने के बगैर हम दूसरे के और आशा लगाया हुआ है, या पवित्रता विवाह जीवन में नहीं है, या हम धोखे किया है किसी से, या हम सामूहिक जीवन में सोशल क्राइम्स किए हैं। कई लोग समझते हैं कि हम केवल अपने अपने वातावरण में, अपने ही लोगों के बीच में हम धार्मिकता दिखाएं, परंतु यहाँ तक बाइबल में लिखा हुआ, यहाँ तक हम अपने देश का, अपने सरकार का हर एक कानून को भी पूरा करना जरूरी है। बाइबल बोलता है यदि आप कोई सोशल क्राइम करें वो भी परमेश्वर की नज़र में पाप है। आप सरकार का हर ये कानून को पूरा करना पड़ेगा, आप टैक्स देना पड़ेगा। हम घूस देता है कई विषयों को, कई सर्टिफिकेट को पूरा करने के लिए, कई बातों को निकालने के लिए हम घूस देता है, कई जगह हम घूस लेता है, और घूस देना घूस लेना ये सब पाप है। और इस तरह का काम यदि हम करेंगे तो धार्मिकता हमारा जीवन से दूर है, हमारे हाथों में लहू है, पाप है, इसलिए हम ऐसे पाप नहीं कर सकता है। हम अपने परिवार के साथ, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पढ़ाई में, कार्य के क्षेत्र में, पब्लिकली, सरकार के साथ, किसी के साथ हम पाप नहीं कर सकता है। यदि ऐसे करेंगे तो हम परमेश्वर से दूर हैं, आत्मिक अंधकार में हम जीवित हैं, अंधापन में हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को भी आज रात में परमेश्वर चंगाई देने के लिए चाहता है। आप अपने जीवन के पापों को आज प्रभु से बोलिए, प्रभु यीशु मुझ पर दया करें, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन के और आप दया बरसाइए। हम तो शारीरिक रीति में अंधा नहीं है, परंतु आत्मिक रीति से हम बहुत बड़ा अंधा है और हम अंधकार में रहते हैं। मुझ पर दया करें, मेरे पापों से मुझे दूर करें प्रभु, मेरे पापों से मुझे छुटकारा दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मुझे एक नया ज़िंदगी दीजिए। जो पाप मैं करता था आज से मैं नहीं करूँगा, ऐसे एक निर्णय आप प्रभु के सामने ले सकता है। ये भी आज इस वचनों के द्वारा आपका जीवन के लिए चमत्कार और चंगाई है। ये प्रोग्राम को हम विशेष करके चंगाई प्रार्थना सभा कर करके टाइटल रखा हुआ है। उसका मतलब ये नहीं है कि केवल शारीरिक चंगाई के लिए ये रखा हुआ है। नो, नेवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये
शारीरिक चंगाई के लिए केवल नहीं है, ये तीन जगह मनुष्य के लिए चंगाई की जरूरत है, ये एक शरीर और दूसरा मन और तीसरी आत्मा। ये तीनों विषय में आपका शारीरिक मानसिक आत्मिक विषयों का चंगाई जरूरी है। ये तीनों को कुल मिलाकर के चंगाई ही बोलता है, हीलिंग ही बोलता है। स्पिरिचुअल में हीलिंग हो सकता है, फिजिकल हीलिंग हो सकता है, मेंटल हीलिंग्स हो सकता है। जिसका अंदर में मेंटल हीलिंग्स चाहिए उसको शांति की आवश्यकता है, जिसको शरीर में बीमारी है उसको चंगाई का शारीरिक चंगाई का आवश्यकता है, जिसका स्पिरिचुअल बॉन्डेज जैसे जैसे हमने बोला है पाप नशीले पदार्थों का इस तरह का व्यभिचार इस तरह का बंधन जो है उस वो जो स्पिरिचुअली पाप के अंदर में अंधकार में उसको भी छुटकारे की ज़रूरत है। इसलिए आज रात में ये कंप्लीट हीलिंग यीशु मसीह आप दे आपको देने वाला है। आज देखिए इस वचन के द्वारा प्रभु ने निश्चय आपको आशीष किया है, इसलिए आप प्रभु का चरणों पर आए। आज इस वचनों को सुनने के बाद प्रभु आपके अंदर बहुत बड़ा विश्वास को जगाया है। आज जैसे ये व्यक्ति प्रार्थना किया है वैसे आज प्रभु का सामने जरूर आप अभी प्रार्थना कीजिए। इस वक्त मैं आपके सामने आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ। आज रात में इस समय प्रार्थना करने के समय उस अंधे व्यक्ति का इस वचन को आप याद रखें। जैसे वो अंधा व्यक्ति पुकारा है यीशु के पास, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, तो आज रात में ये शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप यीशु मसीह से बोले, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार के और दया कीजिए, मेरे बीमारी के और दया करें, मेरे जीवन के और दया कीजिए। जैसे वो अंधा व्यक्ति को तूने चंगाई दिया है वैसे मेरे जीवन को भी तू चंगा करे, मेरे शरीर को चंगा करे। मैं बहुत बड़ा बीमारी के अंदर में ग्रसित हूँ, प्रभु मुझ पर कृपा करे, मेरे परिवार को तू बचाइए, मेरे भविष्य को तू बचाइए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं आगे बढ़ने के लिए, मेरे सारा रास्ता रुका हुआ है प्रभु। आर्थिक समस्या एक तरफ, दूसरा तरफ पारिवारिक लड़ाइयाँ अशांतियाँ, तीसरा तरफ प्रभु जीने के लिए इच्छा नहीं कर रहा है, मरने की इच्छा कर रहा है प्रभु, जिंदगी थक गया है ऐसा अवस्था में है प्रभु, कृपा करे प्रभु। जैसे वो अंधा आपसे विनती किया है वैसे आज पुकारते हुए मैं आपसे कहता हूँ, दाऊद के पुत्र यीशु मसीह मुझ पर दया कर। आइए मेरे साथ में ये शब्द को उठाते हुए आप प्रार्थना कीजिए, स्पेशली इस शब्द को यीशु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तो वो अंधा भिखारी जैसे पुकारा था वैसे आप पुकारे और कहे, यीशु मसीह मुझ पर दया कर, मेरे बीमारियों के ऊपर दया कर, मेरे परिवार के ऊपर दया कर, मेरे पति के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे भविष्य के ऊपर, मेरे नौकरी के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर, मेरे पढ़ाई के ऊपर, मेरे आर्थिक समस्याओं के ऊपर प्रभु यीशु तू दया करे। आज रात में उस अंधे का समान हम पुकारते हैं, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, हालेलुया आज मुझे चंगा कर। जैसे उस अंधे व्यक्ति को चंगाई दे दिया प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन को चंगा कीजिए, मेरे शरीर का बीमारियों को दूर करें। आज आज रात में प्रभु यीशु मसीह जैसे तूने वजन बेच करके आज्ञा दिया है देखने लग, ऐसे करके जैसे तूने कहा है उसी क्षण उस व्यक्ति देखने लगा है वैसे मेरे जीवन में अभी हो जाए, मेरे बीमारी हमसे दूर हो जाए, मेरे बीमारी मुझसे दूर हो जाए, मेरे बीमारी मुझसे दूर हो जाए। हालेलुया इस वक्त आप अपने जहाँ पर बीमारी है वहाँ पर आप अपने हाथ को रख लीजिएगा, जहाँ पर आपके बीमारी है, यदि आपका आंतरिक अंगों में बीमारी है तो आप अपने सिर में हाथ रख सकता है या सीने पर हाथ रख
चेस्ट में हाथ रख लीजिए, या फिर आपका शरीर में कोई पार्ट्स में आपको बीमारी है तो आप वहाँ पर अपने हाथ को रख सकता है। क्यों हाथ रखने के लिए आपसे बोल रहा है ये जान लीजिएगा, क्योंकि आप हाथ रखने से एक विश्वास का पहचान है, एक साइन है, इसलिए केवल हाथ रखने के लिए बोलता है। जब आप एक्शन करते हैं तो प्रभु उसको देखता है, जब आप हाथ को रखेंगे तो प्रभु उसको देखता है। आपका विश्वास का ये एक स्टेप है, एक फिजिकल स्टेप है, एक्शन है, इस एक्शन को आपको करना जरूरी है, तब प्रभु का हीलिंग आपका, जैसे उस अंधा व्यक्ति पुकार करके कहा तो यीशु ने उससे पूछा तो तुमको क्या चाहिए, ऐसे करके पूछा तो उसने बोला कि मुझे देखने का शक्ति दीजिए, मुझे रोशनी दीजिए प्रभु। ऐसे ही उसने क्लैरिफाई किया और स्पेसिफिक किया है उसका प्रॉब्लम, वैसे ही आप भी अपने विश्वास को स्पेसिफाई करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, प्रभु को सामने रखने के लिए आप इस हाथ को रख रहा है। इस हाथ रखने से और कोई मैजिक इसके अंदर में नहीं है, परंतु आप अपने विश्वास को एक्शन करने के लिए केवल रखता है, और इसको रखने के समय प्रभु ऊपर से आपको देखेगा और उसका पवित्र आत्मा का शक्ति आपका शरीर में घुसेगा और आपके आंतरिक अंगों को हो या फिर बाहरी अंगों को वो आज इसी रात में इस वचन के अनुसार यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, और आपके परिवार का सारे व्यक्तियों को आप इस प्रार्थना में याद कीजिए जिसको प्रार्थना का आवश्यकता है। आपके परिवार में दूसरा कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको भी याद करें, आपका मम्मी हो, पापा हो, या आपका भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, कोई भी किसी व्यक्ति के लिए, आपको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है लेकिन आप और किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता है तो उसको आप याद करते हुए एक हाथ ऐसे ऊपर उठाइएगा। इसका मतलब क्या है कि हम उस व्यक्ति को प्रभु आपके ओर उठा रहा हूँ, जिस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पापा हैं वो बेड पर हैं आज, आप प्रभु उनको चंगाई दे दीजिए, मेरे मम्मी हैं आज चल नहीं पाती है उसके लिए प्रार्थना करना है, मेरा बेटा का अंधापन है वो चल नहीं पा रहा है प्रभु, उसका शरीर में बहुत बड़ा बीमारी है बेटा, प्रभु उसके लिए प्रार्थना करें। ऐसे करके जब आपके अंदर में जो भी आता है उस व्यक्ति को ऐसे हाथ में उठाते हुए प्रभु को और लेके आइएगा और प्रभु से बोलिएगा मैं उस व्यक्ति को आपके सामने उठाता हूँ। ऐसे दोनों हाथ आप उठाते हुए उस व्यक्ति को सरेंडर कर सकता है, उस पर्सन को, या फिर कोई ऐसा बहन मुझे सुन रहा है, आप अपने पति से बहुत परेशान है, आपका पति अश्लीलता का बंधन में है, या आपका पति बहुत सा गलत काम करते हुए आप देख रहा है, उस कारण आप बहुत दुखित हैं, परेशान हैं, तो आज उस व्यक्ति को आप प्रभु के सामने उठाइए। और जिस पति के कारण शराब के बंधन में, शराबी के बंधन में जो पति के कारण एक बहन बहुत तकलीफ में है, आज रात उस व्यक्ति को प्रभु के सामने उठाइए और आपको प्रभु, उस व्यक्ति को प्रभु आज रात में चंगाई दे रहा है। हालेलुया, उठाइए और प्रार्थना करें। और यदि आपके पास आर्थिक समस्या है तो उसको आप प्रभु के सामने उठाएं और बोले प्रभु जी मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें। यदि आपके कोई भी कुछ भी बात है, आपका जीवन में कोई स्पिरिचुअल नीड्स है, आप इस वक्त प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे बीमारियों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, यदि हमसे छूट गया तो नहीं सोचना है ये मेरा नाम को, मेरा बीमारी के बारे में तो नहीं बोला है, ऐसा कुछ नहीं। प्रिय भाई बहन, आप अपने मन से प्रार्थना कीजिएगा, मैं बोलूँ ना ही बोलूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस वक्त, इस वक्त विश्वास से उठाने के समय आपके और प्रभु का नजर आ रहा, आपका और प्रभु का शक्ति उतर के आएंगे और आपको वो यीशु जिसने इस अंधे को दृष्टि दिया है वो आपको चंगाई करेंगे। हालेलुया, इस वक्त मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिन लोगों ने मेरे सामने खड़े हैं, जिन लोगों ने मेरे सामने बैठे हैं और आज इस कार्यक्रम को देख रहा है और प्रभु इसको देखने के समय, प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ इनका हृदय को तू देख लीजिए, और जिन्होंने हाथ उठाया है
और सीने पर हाथ रखा है, माथे पर हाथ रखा है और प्रार्थना कर रहा है अपने लिए, अपने बीमारियों के लिए और अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, उनका जीवन को प्रभु यीशु मसीह तू देख लीजिए। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ फिजिकल नीड्स के लिए प्रभु यीशु मसीह। जो व्यक्ति बीमारी में ग्रसित है उनका शरीर को इसी वक्त चंगाई देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो कैंसर से पीड़ित है यीशु का नाम में कैंसर बीमारियाँ चंगाई को पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो ब्लड कैंसर हो, शरीर का किसी भी तरह का कैंसर क्यों ना हो, आज इसी वक्त जिस अंधे व्यक्ति को बाइबल के अंदर में जो चंगाई दिया है लूका 18:35 का अंदर से जो अंधे व्यक्ति का चंगाई देने वाला यीशु, तो आज इस व्यक्ति का कैंसर इनके अंदर से दूर करे। ये कैंसर से चंगाई को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज इनके जीवन में महान चमत्कार बॉडी में देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो किडनी ट्रबल है उनको प्रभु आप चंगाई दे, नया किडनियों को देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लिवर का संबंधित बीमारी यीशु के नाम में चंगाई को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो प्रभु लंग्स का कंप्लेंट है, बीमारी है, यीशु का नाम में चंगाई को पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो हार्ट डिजीज है यीशु का नाम में चंगाई को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो ब्रेन संबंधित बीमारी है यीशु मसीह के नाम से चंगाइयों को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो कान के संबंधित बीमारी है यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पाने के लिए, और जो आँखों को दृष्टि की ज़रूरत है यीशु के नाम में चंगाई को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो शरीर में भारीपन है, थकावट है, चक्कर आता है और शरीर का जो बॉडी में जो बाहरी दिशा में जो प्रभु कठिनाई को सह रहा है उनको मैं प्रभु आपके सामने रखता हूँ। इसी वक्त आप चंगाई देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। स्किन डिसीज यीशु के नाम में दूर हो जाए, और चलने में दिक्कत है यीशु के नाम में ठीक होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पैर में दर्द, हाथों में दर्द, हाथ उठाने के लिए जो तकलीफ़ है, जो राइट हैंड में जो तकलीफ़ है और लेफ्ट हैंड में जो तकलीफ़ है हाथ उठाने के लिए, काफ़ी दिन से यीशु के नाम में इसी वक्त चंगाई को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो प्रभु यीशु मसीह लेटने का समय चक्र आता है, खड़े होने का समय चक्र आता है, चलने का समय चक्र आता है और डबल विजन है जिसका, आंखों में डबल विजन, जब भी देखता है तो डबल होकर के देखता है, ऐसे व्यक्ति का आंख को आज रात यीशु चंगाई दे रहा है। ऐसे एक व्यक्ति के विषय में मुझे इस प्रेरणा मिल रहा है, डबल विजन के कारण आज हमको देख रहा है, डबल विजन के कारण। उस डबल विजन में देखने वाला व्यक्ति को आज रात इस वक्त यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। आप अपने चंगाई को स्वीकार कीजिए, रिसीव कीजिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देता हूँ इन चंगाइयों के लिए। और इस वक्त विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ जो वायरस के द्वारा जो बीमारियाँ प्रभु जिसका शरीर में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसे बीमारियों के अंदर से इनको छुटकारा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में चंगाई को पाए। हालेलुया, सांस लेने में तकलीफ यीशु के नाम में ठीक हो जाए, और खांसी का तकलीफ यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जाए। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ बीपी और शुगर का बीमारी यीशु के नाम में चंगाइयों को पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त शरीर में जो भी प्रॉब्लम है प्रभु, और नींद नहीं लगते हैं यीशु मसीह के नाम में आशीष पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। शरीर में प्रभु जी जो शैतानिक ताकत के कारण प्रभु यहाँ वहाँ ले जाता है, कभी उड़ कर के घर के बाहर चले जा रहा है, उड़ कर के दूसरे रूम में जा रहा है, रात के टाइम में घर छोड़ के जा रहा है, इस तरह का जो बीमारी शैतानी ताकतों से है जिस व्यक्ति के अंदर में, यीशु के नाम में आज उस दुष्टात्मा इनको छोड़ के जाने के लिए मैं आज्ञा के साथ में कहता हूँ आज चंगे हो जाए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे व्यक्तियों को प्रभु आज रात में तो चंगा करे, यीशु मसीह के नाम में चंगाइयों को हासिल करें, यीशु मसीह के नाम में विश्वास के द्वारा इन चंगाइयों को हासिल करें, यीशु मसीह के नाम से इन चंगाइयों को हासिल करें। आज जिसने हाथ बढ़ा करके हाथ उठाते हुए इसी वक्त प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी मैं विशेष करके प्रार्थना करने के लिए चाहता हूँ जिन्होंने हाथ बढ़ा करके ऊपर किया है, उनके अंदर में जो जिस बीमारी के लिए मांग रहा है चंगाई को, इसी वक्त स्वर्ग से यीशु तू देने के लिए प्रार्थना करता हूँ।
इसी वक्त आपकी शक्ति पवित्र आत्मा के चंगाई देने का शक्ति हीलिंग पावर प्रभु यीशु मसीह तू स्वर्ग से इनके ऊपर भेज दे, इनके ऊपर भेज दे, इनके शरीर को चंगाई करे, चंगाई देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके ऊपर भेज दे, इनके शरीर में जो कठिनाई को ये सह रहा है आज रात यीशु तू चंगा करे, आज रात प्रभु यीशु तू चंगा करे, यीशु मसीह के नाम से चंगाई को हासिल करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रिसीव योर हीलिंग, आप अपने चंगाई को स्वीकार कीजिए। इस वक्त प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, इस वक्त प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, इस वक्त प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। यीशु मसीह आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है। जिस जगह आपका अंगों में बाहरी अंगों में और आंतरिक अंगों में जिस जगह बीमारी है, आज आप बीमारी को झेल रहा है, उसका दर्द और तकलीफ को झेल रहा है, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह का हाथ इसी वक्त आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का चंगाई का शक्ति वहां पर आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह का चंगाई का शक्ति वहां पर छू रहा है। कैंसर यीशु मसीह के नाम से दूर हो रहा है। और प्रभु जी हालेलुया धन्यवाद, किडनी यीशु के नाम में ठीक हो रहा है, आंखों को दृष्टि मिल रहा है, शरीर के अंदर में जो लिवर है वो चंगाई दे रहा है। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से जितना भी शारीरिक स्पाइनल कॉर्ड यीशु के नाम में चंगाई को चंगा यीशु के नाम में चंगे हो रहा है। हालेलुया इस वक्त आप अपने चंगाई को स्वीकार कीजिए। आपके बीमारियों को हम पुकारे नहीं पुकारे से कोई मतलब नहीं है, इसी वक्त आपका और प्रभु यीशु मसीह का चंगाई स्प्रेड कर रहा है, इसलिए आप अपने चंगाई को स्वीकार करें, आप रिसीव कीजिए उसको, रिसीव कीजिए। और आप अपने मन में बोलिए प्रभु चंगाई के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। आप रिसीव कीजिए आपका चंगाई को, आपके शरीर में जिस जगह आपने हाथ रख दिया है वहाँ पर यीशु ने छू लिया है, चंगाई दे दिया है। जिस बात के लिए आपने परिवार के लिए, जिस व्यक्तियों के लिए जो आप प्रार्थना किया है उनको चंगाई मिल गया है। और जिस पारिवारिक मानसिक व्यक्तिगत और आर्थिक समस्याओं के लिए आपने प्रार्थना किया है, आज रात प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा कर दिया है। इस पर विश्वास कीजिए, इस पर विश्वास कीजिए और आज रात में प्रभु आपको चंगाई दे दिया है। हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी। इसलिए आप धन्यवाद दें इस विषय में। आज आपके चंगाई को विश्वास से स्वीकार करके यीशु मसीह का महिमा करें, यीशु मसीह का महिमा करें। हालेलुया धन्यवाद ओ यीशु, धन्यवाद ओ यीशु, धन्यवाद ओ यीशु, जिन्होंने विश्वास के द्वारा हाथ रख कर के प्रार्थना किया है उनको तूने चंगाई दे दिया है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे चंगाई के लिए धन्यवाद हो, मेरे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद करें अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए। हालेलुया धन्यवाद हो यीशु, आज के सारे सभा के लिए धन्यवाद देता हूँ, वचनों के लिए प्रभु जी धन्यवाद, जो चंगाइयों को तूने दिया है धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु हम सबका प्रार्थना सुना है, आवाज़ सुना है, हम में से कई लोगों को आज प्रभु ने चंगाई दिया है और आनंद मनाइए। और इस वचन में जैसे लिखा हुआ है उसके अनुसार आप प्रभु का महिमा करें। आप जब प्रभु को महिमा करेंगे तो आपके इन बातों को देख करके और लोग प्रभु का महिमा करेगा। मैं जैसे बोलता हमेशा वैसे ही आज बोलने के लिए चाहता हूँ कि आपका चंगाई इस वक्त आपके शरीर में ज़रूर अनुभव किया, तो आप ज़रूर उसको गवाही के द्वारा हमें बता दीजिए। और आज रात में आप में से कई लोगों को चंगाई का प्रगटीकरण होगा, या फिर कल परसों इन दिनों में अगले सप्ताह में आपका शरीर में चंगाई का अनुभव लक्षण आप देखेंगे और पूर्ण चंगाई का अनुभव आप देखेंगे।
और कुछ ऐसे बीमारी है आप टेस्ट करने के द्वारा ही पता चलता है उस बीमारी का, और भी परमेश्वर का हाथ को जैसे उसने बढ़ाया है, इसलिए उस बीमारी का अंदर से भी प्रभु ने आपने निकाल दिया है जो पॉजिटिव रहा है। जरूर यीशु मसीह आज रात में आपका शरीर में वो नेगेटिव कर दिया है। जब आप नेक्स्ट टाइम डायग्नोसिस करेंगे, नेक्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे, उसका रिजल्ट अद्भुत चमत्कार यीशु मसीह के नाम में होगा। इसलिए आज प्रभु को आप महिमा करें और विश्वास में ये चंगाइयों को हासिल करके आप विदा लें। परमेश्वर आपके साथ हो और आपके परिवार के साथ हो। अगले सैटरडे फिर इस कार्यक्रम के द्वारा हम मिलेंगे नए गीत और नए वचन और नए अभिषेक और शक्ति के साथ। प्रभु की उपस्थिति में हम आपके लिए सेवा करेंगे और प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करें।